सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो प्रमोद ब्लॉग। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और आज कुछ खास दिन है। वो आज खास इसलिए दिन है कि आज हमारे यहाँ चुनाव है और चुनाव का मैं वो आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा जो कि आपको देखने में बहुत ज़्यादा मजे आएगी। जो बूथ है ना वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर बहुत सारा कच्चा रास्ता है जो कि हमको जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन कुछ प्रत्याशियों ने हमारे लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ साधन की व्यवस्था की है। तो देखते हैं हम उन साधन को पकड़ते हैं और अगर मिल जाए हमें साधन तो ठीक है, नहीं तो हमारी एक मोटरसाइकिल है जो कि कभी भी बूथ बंद हो जाती है, जहां तक चले वहां तक ले चलेंगे और जहां बंद हो जाए फिर वहां से पैदल चलेंगे। तो चलो पहले तो देखते हैं कि हमारे लिए कुछ वाहन की व्यवस्था है या नहीं। चलो, अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई ये गाँव में? गाँव के लोग कहाँ चले गए यार? गौ माताएं दिख रही है, बाकी के लोग कहाँ चले गए? इधर एक सामने चौक है, देखते हैं उस चौक में कुछ भाई लोग हैं या नहीं और देखते हैं कि वहाँ साधन हमें मिलता है या नहीं। चलो इनसे पूछते हैं। भैया, भूत कैंप जाने कोई साधन है? साधन की व्यवस्था तो सर अभी तो है हमारे पास। हाँ, अभी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हम पहुँचा रहे हैं। हाँ, नवयुवक हम लोग जाएंगे। हाँ, उसके बाद आना जाना चलते रहे हमारा। हाँ देखो यार गाइस, यहाँ भैया लोगों का कुछ कहना ऐसा है कि बूथ तक जाने के लिए साधन तो है लेकिन यहाँ के कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनको पहले ले जाया जा रहा है, उसके बाद कुछ युवाओं और कुछ यंग लोगों को ले जाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे कुछ साधन की व्यवस्था है, कुछ आना जाना भी लगा है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं है, बस गाड़ियाँ आती है ले जाते हैं और देखते हैं अपने को यहाँ साधन मिलता है तो चलेंगे। भीड़ बहुत है यार गाइस यहाँ पे, तो ऐसे सिचुएशन में इसमें तो जाना बहुत दिक्कत है। तो अपन अब चलेंगे मोटरसाइकिल में, ये लोग बुज़ुर्ग लोगों को यहीं पे एक ही गाड़ी है और लोग बहुत सारे हैं तो थोड़ा दिक्कत है आने जाने में, तो अपन मोटरसाइकिल में ही चलेंगे और ये लोग चलते हैं। सो फाइनली दोस्त, यहाँ हम लोगों को एक साधन मिल चुका जो कि मोटरसाइकिल है, इसी में हम लोग जाएंगे। अब यहाँ तो हम बैठ नहीं सकते तो हम चलते हैं सीधे बूथ कैंप। तो चलो पकड़ो अपनी मोटरसाइकिल, चलते हैं। ये मोटरसाइकिल है अपनी और इसी में हम लोगों को जाना है। यही रुकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, हम लोग यहाँ बूथ कैंप आ चुके हैं और ये हमारा जो पंचायत है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं आपको और शायद इनको लग रहा है कि लड़का क्या कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत सारे लोग हैं जो अपना मत देने के लिए आए हैं। देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग हैं और इसके बाद मैं वोट देने के लिए बहुत सारी चीज़ें ला चुका हूँ, जो परिचय पत्र है इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो ये चीज़ें मैं वहाँ दूँगा, उसी के बाद मुझे वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो मैं अंदर साइड तो शायद ही है कि मुझे कैमरा लेके जाने देंगे, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कुछ अंदर की चीज़ें दिखाने का और चुनाव से संबंधित और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ जो होगी उन चीज़ों के बारे में दिखाऊंगा। तो थोड़ी देर से यहाँ पे लोग बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं और यहाँ पे जो माहौल है ना कुछ ज़्यादा गर्मा गर्म है, अभी लोगों का बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अंदर अगर जाने का मौका मिलता है तो लेते हैं कैमरा, मेरे को तो नहीं लगता कि अंदर कैमरा लेके जाने की अथॉरिटी मिलेगी, लेकिन कोशिश करते हैं और अंदर कुछ चीज़ों की देखने की। तो ये कुछ लोग हैं जो वोट दे चुके हैं, अभी अपना टाइम आने को है, देखते हैं। तो ये जो दादा लोग जो है ना इनका अभी हो चुका है और इधर ही है हमारा मतदान केंद्र जो कि इस साइड है, अंदर तो जाने नहीं देंगे कैमरा के साथ, लेकिन देखते हैं इधर है, इधर जाने का है। ये हमारा पंचायत है दोबी टोला माल, देख सकते हो इधर ही है।
तो ये हमारा पंचायत है और ये इधर है बूथ कैंप। जो ये सारे लोग हैं ना, ये लाइन पे खड़े हुए, ये अपना अपना मत देने के लिए खड़े हैं। तो इसके बाद अपना नंबर आएगा, तो देखते हैं नंबर आता है उसके बाद मिलते हैं अपन। सीन ये था कि मैं जब वोट डालने गया था तो वहाँ पे अचानक से हमारे एक एजेंट की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिससे मुझे वहाँ पे एजेंट बना गया। तो मैं बाकी की जो चीज़ें थी ना वो वहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाया और आपको नहीं दिखा पाया। उसके इधर पीछे साइड, हाँ ये पीछे साइड बहुत डीजे वीजे, तो आप लोगों को तो समझ आ ही गया होगा कि क्या सीन है। कोई प्रत्याशी अगर मुखिया पद पर आया है तो वो ये फर्स्ट टाइम आया है, जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो बस यही कुछ सीन था और यही कुछ चीज़ें थी। तो हमारे ये मुखिया जी हैं जो मिल रहे हैं और सभी लोगों से मिल रहे हैं, और इस साइड डीजे हैं जो लोग बहुत ज़्यादा नाच रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं मुखिया जी से मिलते हैं और थोड़ा सा करते हैं नमन उनको भी। कंग्रेचुलेशन मामा। ये हमारे प्रत्याशी है जो कि हमारे गांव के लिए एक मुखिया पद में पदस्थ हैं, जो अभी शपथ तो नहीं लिए हैं लेकिन अपनी जीत और लोगों से मिल रहे हैं कि भाई हम आपके लिए सहयोग करेंगे, आपके हर एक काम पे आपका साथ देंगे। इसी वचन के साथ ये सभी भाइयों से घर घर के प्रत्येक घर में जाते हैं और सभी भाई बंधु से मिलते हैं और उनसे अपना आशीर्वाद लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ एंजॉय मोमेंट आपको दिखाएंगे और फिर उसके बाद करेंगे वीडियो को एंड। और आप बताओ इस वीडियो का जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा तो वो कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना एंड भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।